साफ आ रही है। बहुत, बहुत आपका. मुझे पर्सनली गालियां बिल्कुल पसंद नहीं है लाइक कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में होती हूँ ना तो लाइक गधा और गधे की दुम वो मेरी एक लिमिट है कि मैं उसके बाद गालियां नहीं दे पाती हूँ पर ट्रस्ट में जब आप गालियां देते हैं ना बड़ा मजा आता है इसे आप बोल सकते हैं हेपोक्रेसी की भी सीमा होती है। <laughs> like, आप लोगों ने इतना हमको मेंटली प्रिपेयर कर दिया information कि हमें ऑलमोस्ट हमारे सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं बट एक क्वेश्चन जो मुझे हमेशा डिस्टर्ब करता है या मुझे समझ में नहीं आता है वो शायद आप ही दे पाएंगे कि बोला जाता है इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है जी। तो अगर जो आज मेरे साथ कुछ गलत होता है या मुझे, मेरे साथ जबरदस्ती करवा के इस्लाम कबूल करवाया जाता है तो मैं अपने जीते जी पूरी कोशिश करूंगी कि, कि किसी भी तरीके से इस्लाम को नुकसान पहुंचाऊं अपने बच्चों को इस्लाम की तरफ ना लाऊं तो ऐसा कैसे होता है कि जिन्होंने डर से इस्लाम कबूल किया आज वही उसके डिफेंडर बने हुए अगर आप आयशा को देखें आयशा को जबरदस्ती इस्लामी कबूल कराया गया एक तरह का अगर देखा जाए तो इन रियालिटी नौ साल की उम्र में पचपन साल के बंदे के पास बंद गई उसने क्या किया उसने मोहम्मद की वो वो हरकतें बताई हैं कि कोई भी अगर अकलमंद इंसान होगा ना तो इस्लाम छोड़ देगा लेकिन इस्लाम में रह के आप इतने अपंग होते हैं इतने अपंग होते हैं दिमागी तौर पे कि आप समझ नहीं सकते मैं कहता हूं अगर आयशा की हदीसें ना होती तो हमें बहुत मुश्किल होता कन्विंस करना मुसल्टों को जो 90 परसेंट आयशा के हदीसें है, हैं उन्होंने मोहम्मद की खोल के की। खोल के बयान किए खोल खोल के बयान किए Now, अब अगर आप देखें इजिप्ट में जो तलवार के जोर पे मुसलमान बने कैसे बने द फर्स्ट जनरेशन मुस्लिम जजिया नहीं दे सक रहे थे उन्होंने कहा हंटर खाने और अपने बच्चों को हंटर खिलाने से बेहतर है कि मुसलमान बन जाओ कोई नहीं जब ये चले जाएंगे हम दोबारा एक्स मुस्लिम बन जाएंगे हम दोबारा क्रिश्चियन बन जाएंगे दिस इज हाउ बनी नही उसके बाद क्या हुआ वो भूल ही गए कि हमारे बाप दादा ने इस्लाम कबूल क्यों किया था क्योंकि मस्जिद जाना पड़ रहा है मुसल्टों के दरमियान रह रहे हैं इज्जत भी मिल रही है पहले प्यो को तो पता था लेकिन बच्चा जो 12 साल की उम्र से 13 साल की उम्र से 14 साल की उम्र से 15 साल की उम्र से मुसलमान बन रहा वो सारी उम्र उसी के अंदर आ उसके लिए वो नॉर्म बन गया और उसके बच्चे ऑब्वियसली फिर नॉर्म में ही रहे और यही चीज आपके पास इंडिया में हुई है यही चीज आपके पास इंडिया में ही हुई है एंड दिस इज हाउ इट बिकम्स जब मोहम्मद के जमाने में भी अगर आप देखो तो बहुत सारे लोगों ने इस्लाम इसलिए कबूल किया कि मोहम्मद की तलवार से बचा जाए मोहम्मद मरा लोगों ने धरले से इस्लाम छोड़ा अबू बकर ने डेढ़ साल वन ईयर अठारह लड़ाई की जिस लड़ाई का नाम ये हर्ब लड़ाई हर्ब लड़ाई रिदाटसी के खिलाफ और हर एक्स मुस्लिम को चुन चुन के कत्ल किया या वापस इस्लाम कबूल करवाया इस्लाम कबूल किया उन्हें कोई बात नहीं अब बकर मरेगा फिर बच जाएंगे बकर बाद उसके बाद दूसरा मरेगा फिर करेंगे फिर अली मरेगा फिर करेंगे हसन मरेगा फिर करेंगे इवेंचुअली क्या हुआ बच्चे अब इस्लाम में और उनके बच्चे इस्लाम में चलते गए दैट्स हाउ इट इज और यही होता है और होता रहा आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें इंडियन हिस्ट्री उठा के देख लें ना जाए दूसरी जगह इजिप्ट ना जाए सऊदिया ना जाएं इंडियन हिस्ट्री उठा के देख लें आपके इवन जो एजुकेशनल स्कॉलर्स हैं, आप मेरे इंग्लिश चैनल पे जाए और मेरे इंग्लिश चैनल पे एक वीडियो है जिसमें मैंने यासर को यूज किया है उसकी स्टेटमेंट्स को यूज किया है और उस वीडियो का नाम है स्प्रेड ऑफ इस्लाम इफ आई एम नॉट इट ताकि मैं गलत ना बोलूं क्योंकि इंग्लिश चैनल की वीडियोस अब काफी पुरानी हो गई हैं एस स्प्रेड ऑफ इस्लाम बिल्कुल स्प्रेड ऑफ इस्लामिक एम्पायर बाय यासर कादी अगर आप उसको देखेंगे मैंने लिंक भेज दी है मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर है ये वीडियो स्प्रेड ऑफ इस्लामिक एम्पायर बाय यासिर कादी तो आप वहां जाके देखें इवन यासिर कादी जैसा इस्लामिक स्कॉलर जो वेस्ट में बैठा है वो आपको क्या बता रहा है वो आपको बता रहा है कि इस्लाम स्प्रेड बाय फोर्स लेकिन उसके ऊपर शुगर कोटिंग करके बता रहा है शुगर कोटिंग के साथ बता रहा है लेकिन बता वही रहा है जो मैं बता रहा हूं फर्क क्या है शुगर कोटिंग कर रहा है दैट्स द रियलिटी आई होप आपको आंसर मिल गया होगा योधा सिंह साहब गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग

Before the creation of time बनाया था ये बात ऑथेंटिक like, है कि मतलब मतलब ये बात मतलब ऐसी बोली रहती है। <laughs> वो कहते हैं मुसलमान कहते हैं कुरान में लिखा हुआ है, है हदीसों में लिखा हुआ दोनों जगह पे है। नो सर आपको क्या लगता है सर, ये authentic बात है क्या जब अल्लाह ही ऑथेंटिक नहीं है तो मैं इसको कैसे ऑथेंटिक मानूंगा नो 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 सर एज पर इस्लामिक ऑथेंटिक है कि नहीं है लाइक like, कुछ भी होती है ना नहीं नहीं सर बता रहा हूँ कुरान में लिखा हुआ ना आ, ओके 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 तो सर मेरा बस ये क्वेश्चन था कि लाइक अगर ये मतलब हमारे क्रिएशन को एज पर साइंस लाइक 14 बिलियन इयर्स हो गए तो 14 लाइक लेट्स एज्यूम कि 14 बिलियन है तो 14 बिलियन इयर्स पहले अगर ये कुरान ऑलरेडी इस प्रेजेंट स्टेट में लिखी हुई थी तो कुरान में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जैसे कि जब मोहम्मद और जैनब की शादी हुई थी तो कुछ लोग मतलब शादी के प, मतलब आ, बहुत पहले आ गए थे और वो लोग मतलब खाना खा के मतलब जा ही नहीं रहे थे तो उसी टाइम में एक मतलब एक आयात आ गई कि टाइम टाइम पे आना और से चले जाना है करके और दूसरी एक और आयत ये भी आई थी था था कि अबु जाहिल कौन था? कि कौन उसका आंसर ये है अल्लाह अल्लाह को अल्ला ने हर चीज लिख दी थी हाँ सर मेरे, मेरे को वही पूछना था एक्चुअली कि जो अबु जा, जाहिल जो था ना सर उसके बारे में भी एक आयत आई थी कि आप उसको जितना समझाओ जितना भी समझाओ ये समझने वाला नहीं है करके तो मेरा बस ये क्वेश्चन था कि अब जाहिल और ये जितने भी लोग हैं जो मतलब मोहम्मद की शादी में मतलब आए थे इनके बनने के लाइक 14 बिलियन ईयर्स पहले अगर इनका फेट जो लिख दिया मैं, गया, गया भी था, था भी तो जवाब क्या दिया जी यार भाई मैंने भी आपको क्या जवाब दिया हाँ हा, सर ये ये चीज फ्री विल को सर मैं वो फ्री विल पे आ रहा था एक्चुअली आपने पहले ही वो उसका जवाब दे दिया तो सर एक सेकंड पॉज रिलैक्स सांस लो अल्लाह ने पहले कलम को कहा था लिख दो कुछ होने वाला है एंड तक इसीलिए जो मैंने स्ट्रीम कदर की, की थी मैंने वहां पे दिखाया था कि कलम को अल्लाह ने लिख दिया कह दिया था लिख तो जो कुछ होने वाला है क्या तक तो अल्लाह ने हर चीज लिख दी थी अबू जहल भी लिख दिया था कि अबू जहल ये करेगा और ये भी लिख दिया था कि मोहम्मद के, के साथी उसको मोहम्मद को अपनी बीवी के पास रात को जाने नहीं देंगे उसके साथ गपी छपे मारेंगे और मोहम्मद को जाके बीवी ठोकनी है तो ये अल्लाह ने पहले से लिख दिया था इस्लाम ये कहता है इस वजह से लोहे महफूज लिखा है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है क्यों क्योंकि अल्लाह ने प्रीट कर दिया हुआ है हर चीज को कलम से लिखवा दिया हुआ कदर की स्ट्रीम देखे कदर वट इज कदर कदर उर्दू में स्ट्रीम है कदर की उसको जाके आप वॉच करें आपको इसका सारा कंप्लीट डिटेल में आंसर मिल जाएगा ओके सर थैंक यू मेरे को बस यही पूछना था एक्चुअली क्योंकि म, मुझे लगा शायद आपने ये स्ट्रीम में कवर नहीं किया है करके इसलिए मैंने पूछा था ओके थैंक यू सर कदर की स्ट्रीम क्यू ए डी ए आर कदर की स्ट्रीम को oh, जाके देखें प्लीज थैंक यू थैंक यू सर मैं अभी लीव कर रहा हूं ओके ओके थैंक यू सर जी सर योद्धा सिंह जी जी सर सो पहली चीज तो भाई अपने हिंदू भाइयों से अपील है कि यार मोमिन स्ट्रीम को मत ज्वाइन किया करो हॉरेबल हो जाती है आपको लगता होगा कि आपको अपनी आवाज सुनानी है किसी को आपकी आवाज सुनने का शौक नहीं है पर। <laughs> तो कृपया करके मोमिन स्ट्रीम ना ज्वाइन किया करें बहुत जबरदस्त काम चल रहा है एक ऑक्सिलरी वेपन है ऑक्सिलरी वेपन की हिंदी क्या होती है मुझे नहीं ध्यान है ये जो ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है अगर आपको कल को सड़कों पर लड़ाइयाँ नहीं करनी है तो इसको सफल होने दें भगवान के लिए बीच में ना जुड़े जो जो फ्लो है उसको ना तोड़ें सबका मूड खराब होता है और कुछ लोग यहाँ पे इंजॉय करने आते हैं विच इज परफेक्टली फाइन लेकिन एक चीज बता दूं कि एंजॉय कीजिए सब कुछ कीजिए लेकिन शत्रु बोध जो होता है एनिमी कॉन्शियस वो रखिए दूसरे को आप लोग आ, आ, उल्टा सीधा मत बोलिए कॉन्शियस रखिए एनिमी कॉन्शियस रहिए कि शत्रु बोध क्या है वो रखिए लेकिन उल्टा सीधा मत बोलिए जब तक आपके ऊपर नहीं आता इसीलिए दीपक गुप्ता जी आए थे वो कुछ एक सवाल बोल रहे कुछ एक तर्क दे रहे थे रिगार्डिंग जय श्री राम मेनोल सर ऐसा है सामने वाला, सामने वाला वाले को कोई तर्क नहीं समझ में आता वो आपको हर तर्क से मात देने के लिए बैठा हुआ है जो भी साथ में है उसको अपने साथ लाए ज्यादा दिन उसको आप वो करें क्या कहते हैं रेडिक्यूल करें मैं भी करता था मैं भी करता था रेडिक्यूल रेडिक्यूल नहीं करना आप उनके उनको साथ में लाइए उनके साथ रहिए समझिए वो क्यों बोल रहे हैं और हो सकता है वो आपके लिए भूल रहे हो एक मैंने नोआखली का रेफरेंस दिया था सुपर चैट में तो नोआली जरूर पढ़िए ये एक तरह का एडम ये दिस वाज समथिंग लाइक ये जैसे बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था ऑपरेशन सर्च लाइट चली थी आई बिलीव उसका नाम था जो पाकिस्तान ने किया था नोआखली में लगभग वही हुआ था दस अक्टूबर दो हजार छियालीस को नोआखली वेस्ट बंगाल में एक जगह है जहाँ पे 10 अक्टूबर 2046 को एक इंग्लिश हाई स्कूल में लगभग 20,000 हजार मोमिन इकट्ठा हुए थे और वहां पे एक सज्जन थे गुलाम सरावर सर गुलाम सरवर उन्होंने बोला था अपने सभी लोगों से अगर आ गया हो तो मैं, मैं बता दूं चार पांच लाइनें हैं ये किताब है हेराम पेज नंबर तीस थर्टी हेराम हेराम हत, हे गांधी हत्याकांड की हत्याकांड की प्रमाणिक पड़ताल यानी गांधी जी के जो जो मर्डर हुआ था उसका एक रेफरेंस है बुक लिखी हुई है उसमें पेज नंबर तीस पे पैरा है इसमें जो बोला गया है वो ध्यान से सुनिए सब लोग भाइयों जो अच्छा चावल तुम उगाते हो उसे खाता कौन है हिंदू खाते हैं भाइयों जो मोटे केले तुम उगाते हो उसे खाता कौन है हिंदू खाते हैं भाइयों जब हमारी औरतें बीमार पड़ती हैं तो उन्हें अपने हाथों से टटोलता कौन है हिंदू डॉक्टर भाइयों हम मुसलमान पतले और कमजोर क्यों होते हैं क्योंकि हमें भरपेट खाना नहीं मिलता है भाइयों हिंदू आदमी मोटे और उनकी औरतें सुंदर क्यों होती हैं क्योंकि उन्हें सबसे अच्छा खाना मिलता है तो आप एक ऐसी मानसिकता से लड़ रहे हैं कि आपको पता नहीं कि वो किस फॉर्म में किस शेप में आ जाएगी तो पहला तो पहला तो मेरा रिक्वेस्ट सभी हिंदू भाइयों से ये है प्लीज टीम को खराब ना करें प्लीज टीम को खराब ना करें यही एक चीज है जो कि शायद अगले दस या बीस साल में एक पोटेंट फोर्स बन के निकले और शायद जो होने वाला है उसको रोक दे किसी को भी नहीं पसंद जो होगा लेकिन भगवान न करे वैसा कुछ हो जैसा ये नोआखली में दस अक्टूबर दो सॉरी उन्नीस में हुआ था पढ़े सब लोग 10 10 अक्टूबर गूगल कर लें 10 अक्टूबर 1946 सौ छियालीस नोआखली आपको सब पता लग जाएगा डायरेक्ट एक्शन डे के बाद ये सेकंड सेकंड चीज हुई थी जिसको हमारे सामने से छुपा दिया गया और डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पढ़े अपनी हिस्ट्री को जाने साइंस है आप इंजीनियर है मैं भी एक उसी लाइन में हूं लेकिन अपनी हिस्ट्री को जानिए एडम भाई जो जो कंट्रीज हैं अल्बानिया क्रोए अल्बानिया सर्बिया एक्सेट्रा जो सर्बिया तो इज नॉट नॉन आई डोंट थिंक इट्स मुस्लिम कंट्री इन्होंने जो वॉर हुआ था स्लोबाउन मिलोसेविच का जो वॉर हुआ था यूगस्लाविया के के विघटन यानी ब्रेकिंग के दौरान इन्होंने वहां पे मॉन्यूमेंट्स बना रखे हैं रिम्बरेंस के लिए कि उनके साथ क्या हुआ मुस्लिमों ने हमारे यहाँ कोई मॉन्यूमेंट नहीं है बांग्लादेश ने बहुत अच्छा काम किया है मोन्यूमेंटाइज करने के लिए उन चीज़ों को हिंदुस्तान में कोई मोन्यूमेंट नहीं है पास तो हमारे पास मोन्यूमेंट्स हैं तो वो हमारे पास किताबें हैं किताबें पढ़िए अपना अपने आप को सशक्त कीजिए अपने विचारों को सशक्त कीजिए दूसरी चीज बिना जाने पहचाने जिना बिना पढ़े अपने ग्रंथों को गीता जी जो कि एक मेरे लिए बहुत बड़ा ग्रंथ है गीता जी को बिना पढ़े ट्रांसलेशन के साथ बिना पढ़े उसके ऊपर कमेंट ना करिए ना उससे आप आप लड़ने के लिए ना ना उससे आर्ग्यूमेंट करने के लिए आप उससे दो श्लोक निकाल के चिपका दीजिए किसी के सामने क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि उन श्लोकों का अर्थ क्या है वो पढ़ले पढ़िए अपना अपनी अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने बच्चों की बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए राधर देन आप यहाँ आइए इंजॉय कीजिए सब कुछ कीजिए स्ट्रीम मत खराब कीजिए मेरा यही बोलना था सॉरी मैडम यही दो मिनट के लिए मैं आया था थैंक यू सर आपने शुरू में बात की ना जी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ ये शॉर्ट मेरे तक पहुंची आई डोंट नो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है क्योंकि मुझे हैरानगी हुई है कि वाकई इतना पैसा निकला ये देखिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना बड़ी डिफरेंट लड़ रहे हैं हमारी लड़ाई बड़ी डिफरेंट है और जो अगले वाले है ना अगले वाले बड़े तैयार हो रहे हैं ये देखिएगा अरे सब तैयार है ये देखिएगा ये देखिएगा ये देखिएगा आपको तो ये वीडियो बांग्लादेश की एक मस्जिद का है इस मस्जिद के अंदर चंदे की आठ दान पेटियां लगी हुई थी जब इस मस्जिद की आठ दान पेटियों को चार महीने के बाद खोलकर देखा गया तो इन दान पेटियों के अंदर पाँच करोड़ उनसठ लाख सात हजार छह सौ उन्यासी रूपए मिले और विदेश की करेंसी और सोने चांदी के जेवरात और डायमंड निकले जब इन नोटों की गिनती करने की बारी आई तो इन नोटों को बोरियो में भर मस्जिद में फैला दिया गया और तेरह घंटों के अंदर दो लोगों ने मिलकर इन नोटों की गिनती की

एक दो तीन एक दो तीन कितना बनता है इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ पांच करोड़ डिवाइडेड बाय इस वक्त कितने का डॉलर एट्टी टू का हुआ है ना इंडियन रुपीज का एट्टी टू हाँ, से डिवाइड करते हैं ये बनता है कितना इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख छाख सतानवे हजार अमेरिकन डॉलर पांच करोड़ का मतलब है छह लाख दस हजार कह लो तकर तो लाख दस हजार अमेरिकन डॉलर सर जी ये महीने की की कमाई है एक मस्जिद सोच लीजिए आप लोग भाई सब सबके सब जो कि शायद पुजारी को दस रुपया निकालने में चार बार सोचते हैं कि यार दस दें बीस दें दें या ना दें अरे भैया उसको भी उसको भी अपनी जीविका जीव चलानी है किसी भी बंदर के माफ जगह आपकी बात को आपका आपका फ्लो कट कर रहा हूँ दक्षिणा करते हैं तो आप ये कि अगली जनरेशन को पढ़ाने वाले पुजारियों को आप अगर नहीं करते हैं तो आप उनको रोक रहे हैं तो करिए दिल खोल के कीजिए देखिये यहाँ पे सिर्फ एक एक जो एडम्सन ने दिखाया वो सिर्फ एक मस्जिद का पांच करोड़ रुपया है और वो इसलिए नहीं खर्च हो रहा की कि किसी की भलाई में लगे हो सकता है वो थोड़ा बहुत उनकी भलाई में लगे बाकी सब इस्लाम के प्रचार में लगेगा और आप अभी अगर घर के अंदर बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि आपकी लड़ाई कोई सड़क पे जय श्री राम बोलते हुए लड़ेगा। वो, लड़ेगा वो नहीं लड़ेगा वो नहीं लड़ेगा वो अपनी लड़ाई खुद लड़ा होगा बेचारा देखिए जिस वक्त दे ओनली थिंग इज कि जो ये जो आइडियोलॉजी है ना इस आइडियोलॉजी का असल सामने आना शुरू हो जाना दिस आइडियोलॉजी विल फिनिश ये मैंने देखा है ये मैंने सुन एक चीज दिस इज द बेसिक एसेंस ऑफ इट आपको पता है एक इस आइडियोलॉजी को खत्म कौन करता है इस आइडियोलॉजी खत्म करता mm -hmm. है नॉलेज विजडम एंड पावर बाकी सर I अपंगता है क्योंकि अपंगता में बैठे हुए दे आर दे आर लिविंग इन इन in fear of mindset and not asking questions so if you can expand those questions and expand the answers that's mm -hmm. it इट्स एंड ऑफ डिस्कशन एडम एक चीज और है मैं अभी एक अपने शायद वो सुन भी रहे हूं मैं अपने किसी एक मोमिन दोस्त से बात की थी पिछले साल उनका तर्क था कि वो उनका एक कंक्लूजन था और ये कंक्लूजन निकलते कहां से मदरसों से निकलते डॉक्टर की बात बता रहा हूं मैं प्रॉपर वो तो जी वो आया था चंगेज खान आया था उसने आ, कत्ल गार करके खोपड़ियों का वो बनाया था क्या कहते हैं पहाड़ बनाया था हिंदुओं का वो हम थोड़ा रहते हैं इनको ये भी नहीं पता उसका नाम जो आया था जिसने खोपड़ियों का पहाड़ बनाए थे वो तैमूर लंग था मैंने उनको बीच में रोका और वो, वो स्तब्ध थे मतलब एकदम कैसे क्या वो स्तब्ध की इंग्लिश क्या होगी वो ही वॉज शॉक्ड कि ऐसा भी हुआ फिर मैंने रेफरेंस निकाल कर दिया स्टिल ही वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट ही सेड आई रीड एंड probably he 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 will end up consulting he, he, I believe is 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 on on the the if seeing this show then on the line, to be very honest आप जो पढ़ाई करते हैं वो आप एक लिटरेसी पे देते हैं जो कि आपको एक स्किल देती है पैसे कमाने के लिए एजुकेशन इज वास्ट एजुकेशन के लिए आपको अपने बारे में भी पढ़ना पड़ेगा स्किल लिटरेसी और एजुकेशन तीनों में एक अंतर समझिए शायद एक एक बहुत बूढ़ी दादी जो कि 80 साल की हैं जो कि सिर्फ चार क्लास पढ़ी है हो सकता है उनके पास बहुत जबरदस्त एजुकेशन हो आपको देने के लिए तो एजुकेटेड हुई है स्किल बनाइए कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए मूवमेंट के लिए इस मूवमेंट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए अपने जो भी आप धर्म मानते हैं उसके लिए बहुत बहुत मुश्किल होने वाली है अगर आप अभी नहीं समझेंगे और प्लीज भगवान के लिए स्ट्रीम मत रोकिए कि मुझे एक सवाल करना था ब्लॉक हो जाते हैं और आप ट्यूजडे की स्ट्रीम भी नहीं ज्वाइन कर पाते और जो भी करना है आपको अगर कोई सवाल है तो आप उसको खुद भी रिसर्च कर सकते हैं आप उसको चैट में पूछ सकते हैं बहुत बहुत तेरे फोरम्स हैं आजकल की डेट में बहुत तेरे फोर, फोरम्स हो गए हैं उसमें भी आप पूछ सकते हैं अगर इस फोरम में जानकारी नहीं मिली साजिद की स्ट्रीम है और और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं किसी में भी पूछे सबके सब नॉलेजेबल है लेकिन you, इस को बर्बाद मैं करें सर थैंक यू थैंक यू बहुत 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 धन्यवाद